हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्च महीने की करेंट अफेयर को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा डिस्कशन का वीडियो होगा वह बीपीएससी 69th प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने की बिहार की करेंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर कवर नहीं है, सिर्फ बिहार की करेंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है मार्च महीने की। आइए करेंट अफेयर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की नियुक्ति की गई है। इनका शपथ समारोह जो है वह 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, और इनको जिन्होंने शपथ दिलाई उनका नाम है चक्रधारी शरण सिंह। अभी ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में हट चुके हैं, लेकिन जिस समय राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया 17 फरवरी को, उस समय पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे चक्रधारी शरण सिंह। ये बिहार के राज्यपाल बनने से पूर्व ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये हो गया 41वें राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। इसके बाद अभी हाल ही में 111वें बिहार दिवस का आयोजन किया गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार बिहार दिवस समारोह 22 मार्च से 24 मार्च तक चला है। या इसका मेन सेंटर पॉइंट जहां पे समारोह आयोजित की गई, गांधी मैदान पटना। 111वें बिहार दिवस की थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये 111वें बिहार दिवस की थीम रही है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखते हैं, बिहार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि बिहार का पहला औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है? बिहार का पहला औद्योगिक कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर। ये जो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है ये 7 राज्यों से क्रॉस करेगा, लेकिन ये बिहार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अगर बिहार में इसका सेंटर पॉइंट को देखा जाए तो ये गया के घमरिया मेन इसका सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि गया के घमरिया में मेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पॉइंट बनेगा और वहां से ये गुजरेगा, और ये कहां से कहां तक जाएगी? अमृतसर कोलकाता के बीच ये बनेगी। बिहार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेन सेंटर पॉइंट गया के घमरिया में। अगला आते हैं, बिहार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 92 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जीएसटी लागू करने के बाद से क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कुछ राशि प्रदान की जा रही है। उसके तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार को 92 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। अब देखिए आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग को समझिए। आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा ये जारी की गई है। नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसके तहत ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर देखें तो पूरे इंडिया में जिसने फर्स्ट रैंक लाया है वह हरियाणा का मेवात है, लेकिन पूरे भारत में सेकंड, बिहार में फर्स्ट और पूरे भारत में सेकंड रैंक गया को प्राप्त हुआ है। ये तो है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। अगर एजुकेशन क्षेत्र में देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पूरे भारत में फर्स्ट रैंक शेखपुरा ने प्राप्त किया है। वहीं टॉप फाइव में देखें, टॉप फाइव में दो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हैं बिहार के हैं, दो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं जिनमें फर्स्ट रैंक पर शेखपुरा और थर्ड रैंक पर है पूर्णिया। तो एजुकेशन में फर्स्ट रैंक पूरे भारत में और बिहार में दोनों जगह शेखपुरा को प्राप्त हुआ है, और तीसरा रैंक और बिहार का दूसरा पूर्णिया को प्राप्त हुआ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में भारत का दूसरा रैंक और बिहार का पहला गया डिस्ट्रिक्ट को प्राप्त हुआ है। यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग है। इसके बाद देखिए एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड सिंचाई मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। बिहार की इस बार दो परियोजना को केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड प्रदान किया गया है। CBIP 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है गंगा जलापूर्ति योजना और गया जी डैम। गया जी डैम इसे
रबर डैम के नाम से भी जाना जाता है, रबर डैम ही गया जी डैम के नाम से जाना जाता है। और गंगा जल आपूर्ति योजना, आप जानते हैं कि गया, राजगीर, नवादा, बोधगया इन चार शहरों पर गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत। तो इन दोनों योजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है गुप्तकालीन देवी देवताओं की मूर्ति। गुप्तकालीन देवी देवताओं की मूर्ति मिलने से चर्चित में रहा मुरली पहाड़ी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर हाल ही में खुदाई के दौरान गुप्तकालीन देवी देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मुरली पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिहार के भागलपुर जिले में। बिहार का पहला कोल ब्लॉक मंदार पर्वत कोल ब्लॉक, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो 68 प्रीलिम्स हो रही थी उससे तुरंत पहले बिहार का पहला कोल ब्लॉक केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया था, और यह चिन्हित किया गया है मंदार पर्वत कोल ब्लॉक के रूप में। ये अगर देखा जाए कि कहाँ स्थित है, प्रश्न उठता है कि मंदार, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बिहार का पहला कोल ब्लॉक मंदार पर्वत कोल ब्लॉक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, और ये बेसिकली तीन गाँव की जो सीमा है, तीन गांव की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। ये तीनों गांव का नाम है पीरपैंती, कहलगांव और महगामा। ये तीनों गांव के सीमावर्ती क्षेत्र में मंदार कोल ब्लॉक पर्वत बिहार के भागलपुर पर्वत जिले में स्थित है, जो कि बिहार का पहला कोल ब्लॉक है। अगला, G20 की बैठक बिहार में 22-23 जून को पटना में आयोजित की जाएगी। अब जानते हैं कि G20 का सम्मेलन इस बार भारत में वर्ष 2023 में आयोजित की जानी है, और इसके तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में G20 की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी के मद्देनज़र पटना में 22-23 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में G20 की बैठक कब बुलाई गई, 22-23 जून को कहां पर बुलाई गई, पटना में। ठीक है, देखिए बजट सत्र, आप अभी बिहार में बजट सत्र चल रहा है, और ये जो बजट सत्र की बिहार विधानसभा की अवधि है 27 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक यह बजट सत्र चलेगी। इसी दौरान बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे भी पेश की गई। इकोनॉमिक सर्वे पे चैप्टर वाइज वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और बिहार के बजट की समरी को भी आगे आने वाले कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच में आयोजित की जा रही है। इसी दौरान बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी बिहार विधानसभा में सदन के पटल पर रखा गया है। देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर, बेस्ट हेरिटेज अवार्ड बिहार, भारत सरकार के द्वारा बेस्ट हेरिटेज अवार्ड, भारत के बेस्ट हेरिटेज अवार्ड के रूप में बिहार के दो स्थलों को चिन्हित किया गया, और ये दो स्थलों में राजगीर और नालंदा स्थित हैं। राजगीर क्यों भारत सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में? तो राजगीर में आप लोग जानते हैं क्या है, साइक्लोपियन वॉल, ठीक है, और नालंदा, आप जानते हैं कि नालंदा बिहार में प्राचीन समय से काफ़ी फेमस रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा बेस्ट हेरिटेज अवार्ड के रूप में बिहार के दो स्थलों को चिन्हित किया गया, जिनमें पहला नंबर पे राजगीर और दूसरा नंबर पे नालंदा है। ये जो चिन्हित किया गया है वह भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इसको अवार्ड दिया, प्रदान किया गया है। तो मंत्री का नाम याद रखिए, अर्जुन राम राघवाल, कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, अगला, बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम कहां पर बनाया जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम पटना के मीठापुर में बनाया जा रहा है। इसकी जो क्षमता, इसकी अगर क्षमता को देखा जाए, जो इसकी जो क्षमता है वह 1020 MLD इसकी कुल क्षमता है। तो यह बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम है जो पटना के मीठापुर में बनाया जा रहा है। सजल शक्ति सम्मान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता को 2023 का सजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो दिया गया है वह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में कार्य करने के लिए बबीता गुप्ता को प्रदान किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या फिर स्वच्छता अभियान के लिए मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता को सुजल
सजल नहीं है। सुजल शक्ति सम्मान 2023 से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। यह अवार्ड किसने दिया है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया अवार्ड। किस क्षेत्र में? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या स्वच्छता के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर की रहने वाली बबीता गुप्ता को। तो है ये सुजल शक्ति सम्मान वर्ष 2023 का। अगला है लाल सागर कुमार का चयन। ईरान में आयोजित होने वाली जूनियर विश्व कप कबड्डी में भाग लेने वाले भारतीय टीम के लिए किया गया है। यानी कि ईरान में जूनियर विश्व कप कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार से लाल सागर कुमार का चयन किया गया है और ये भारतीय टीम के लिए कबड्डी खेलने का कार्य करेंगे। तो दो महत्वपूर्ण है, जूनियर विश्व कप कबड्डी का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ किया गया? तो ईरान में किया गया। इस खेल में भाग लेने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो लाल सागर कुमार का चयन किया गया है। अगला, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा की गई है। बिहार सरकार के द्वारा, जिसके तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले बिहार के किसी भी खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपये सहायता राशि, सिल्वर मेडल जीतने पर 1.5 करोड़ रुपया और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपये की सहायता राशि या फिर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा की गई है, जो कि ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, जिसके तहत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर क्रमशः 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 30 लाख की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। हाल ही में गार्गी एक्सेलेंट अवार्ड केन्या रूही सिंह को प्रदान किया गया है। केन्या रूही सिंह जो बिहार के निवासी हैं, इन्हें गार्गी एक्सेलेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला है राज्य का पहला नगर निगम। राज्य का पहला नगर निगम जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड होने जा रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा पटना। यानी कि पटना नगर निगम ने हाल ही में घोषणा की है कि वह डिजिटलाइज होने वाला बिहार राज्य का पहला नगर निगम बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट किसे बनाया गया है? के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बनाया गया है, के विनोद चंद्रन को। अभी हाल ही में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। देखिए इसके तहत विश्व के अगर टॉप 20 प्रदूषित शहर को देखा जाए तो विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहर में भारत के 14 शहर शामिल हैं, लेकिन इन भारत के 14 शहरों में बिहार के 5 शहर शामिल हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहर में बिहार के 5 शहर शामिल हैं, भारत के कुल 14 शहर शामिल हैं। वहीं अगर बिहार विश्व के टॉप 50 प्रदूषित शहर को देखा जाए तो टॉप 50 प्रदूषित शहर में भारत के 39 शहर शामिल हैं, जिनमें बिहार के कुल 7 शहर शामिल हैं। अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान का, और चौथे नंबर पे हमारा दिल्ली आता है, जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर और विश्व का चौथे नंबर पे प्रदूषित शहर है दिल्ली। ठीक है, तो टॉप 20 प्रदूषित शहर में बिहार के 5 शहर, टॉप 50 प्रदूषित शहर में बिहार के 7 शहर हैं। अगर बिहार का सबसे प्रदूषित शहर देखा जाए तो पटना है, यह पूरे भारत में दसवें नंबर पे आता है, और दूसरा बिहार का प्रदूषित शहर छपरा है, यह बिहार पूरे भारत में 14वें नंबर पर आता है। अगर भारत को देखा जाए कि विश्व में प्रदूषित देश की सूची में भारत की कौन से नंबर पे आता है, तो सबसे प्रदूषित देश की सूची में भारत 8वें नंबर पर आता है, और सबसे प्रदूषित देश अगर देखा जाए फर्स्ट रैंक पर कौन सा है, तो फर्स्ट रैंक पर है चाड। तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, चूंकि बिहार की करंट अफेयर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसीलिए बिहार की महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहर में बिहार के 5 शहर, विश्व के टॉप 50 प्रदूषित शहर में बिहार के 7 शहर हैं, बिहार का सबसे प्रदूषित शहर और पूरे भारत में 10वें नंबर पर पटना, और दूसरा बिहार का प्रदूषित शहर और पूरे भारत में 14वें नंबर पर छपरा का स्थान है। तो यह है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। अगला है
बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन है? बागमती और बूढ़ी गंडक के बीच में नदी जोड़ो परियोजना बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी, आप लोग इसे याद रखेंगे। इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शाहीन परवीन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देखिए विरासत पद यात्रा, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह जो विरासत पद यात्रा है वह 22 से 24 मार्च के बीच बिहार के 9 जिलों से गुजरी है, या 9 जिले में नाम यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिख सकते हैं। इन 9 जिलों में पटना, जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, ये 9 डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर 22 से 24 मार्च के मध्य बिहार के 9 जिलों को कवर करने वाली विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया। इनमें शामिल बिहार के जिले रहे हैं पटना, जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी और पूर्णिया, ये 9 जिले शामिल हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि विरासत पद यात्रा बिहार के कितने जिलों में निकाली गई? तो 9 जिलों से यह यात्रा गुजरी है। अगला है फर्स्ट गारमेंट शॉपिंग मॉल ऑफ द स्टेट, यानी कि बिहार का पहला सरकारी शॉपिंग मॉल बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का पहला सरकारी शॉपिंग मॉल बिहार के पटना जिले में, जो कि बिहार की राजधानी है, यहां पर स्थापित की जाएगी। अगला है बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पोटैटो, यानी कि आलू का बिहार जो है आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा। यह हाल ही में सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कौन करता है? यूपी। दूसरे नंबर पर आलू का उत्पादन कौन करता है? वेस्ट बंगाल। और तीसरे नंबर पर हमारा बिहार का स्थान है। अगर पूरे भारत में प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो पूरे भारत में जितना आलू का उत्पादन किया जाता है उसका 16.67% आलू का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार के द्वारा किया जाता है, और इसका भारत में तीसरा स्थान है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। अगला जनवरी 2023 की डेल्टा रैंकिंग केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत ओवरऑल फर्स्ट रैंक देखा जाए हेल्थ सेक्टर में तो खगड़िया जिला को प्रदान किया गया है। एजुकेशन में देखा जाए तो शेखपुरा जिला को प्रदान किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जनवरी 2023 में, यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट रैंक शेखपुरा को और हेल्थ के क्षेत्र में फर्स्ट रैंक खगड़िया को, ओवरऑल भी फर्स्ट रैंक खगड़िया को प्रदान किया गया है। जनवरी 2023 की डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की है। अगला, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में जैविक खेती किए जाने की घोषणा की गई है। अभी तक सिर्फ बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही थी, लेकिन ये जो चौथा जो होगा कृषि रोडमैप बिहार सरकार का, जिसमें बिहार के 38 जिलों में जैविक खेती किए जाने की बात चर्चा चल रही है और कराई जाएगी। इसके तहत अगर बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि किसानों को देखा जाए तो एक किसान को अधिकतम बिहार सरकार के द्वारा 5 इकाई की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। एक किसान को 5 इकाई की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा बिहार के संदर्भ में की गई है, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ द बिहार, यानी कि पहला वंदे भारत ट्रेन जो बिहार से गुजरेगी वह होगी पटना और हटिया के बीच में। ये बिहार के 3 जिलों में ये बेसिकली गुजरेगी, पटना, जहानाबाद, गया, और गया पटना जहानाबाद गया होते ये झारखंड के हटिया तक जाएगी, और ये पटना से हटिया के बीच चलेगी, जो कि बिहार का पहला वंदे भारत
ट्रेन होगा। तो इस प्रकार से बिहार की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर मार्च 2023 मंथ की हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो के माध्यम से 69 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने के बिहार स्पेशल करेंट अफेयर जो भी हो सकते हैं उसे आज की इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। और आगे आने वाले वीडियोज में भी जैसे जैसे मंथ समाप्त होते जाएगी उस मंथ की बिहार स्पेशल करेंट अफेयर को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से डिस्कस करूंगा और इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।